स्विंग और यू वापस जा रहे थे। शायद यू तो सो गया था और स्विंग अपने फोन में देख रहा था। उसने देखा कि सुलिन ने अभी तक उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, तो वो सोचता है कि यूजुअली तो वो इतने वक्त में रिप्लाई कर देता है। क्या कल जो हुआ उस वजह से वो इतना ज्यादा शॉक्ड रह गया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या पूरी फैमिली को ये पता नहीं है कि मैं गे हूँ? स्विंग अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन स्विंग तो अभी गे है, तो फिर उसके छोटे भाई को ही उसकी फैमिली ब्लडलाइन आगे बढ़ानी होगी। तो इसलिए स्विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई भी उसे देखकर उसके जैसा ही बन जाए। वो उसे फोन लगाता है तो सुलिन की आवाज सुनकर वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या अभी तक नहीं उठे हो? सुलिन थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैंने थोड़ा ड्रिंक किया है। स्विंग फिर उसे कल के बारे में कहने वाला था, लेकिन शाओलिंग उससे पहले उसे कहने लगा कि भाई, इसका मतलब कि आप सच में लियो को पसंद करते हो? स्विंग मन में बोलता है, अगर मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा, और ऊपर से लियू यहाँ पे मेरे पास में ही बैठा है, तो फिर मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? और वो कहता है कि तुम्हें तो पहले से ये पता है ना कि मैं कैसा हूँ, लेकिन ये मेरा बिजनेस है, उस बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शाओलिंग कहता है, लेकिन भाई, लियू आपको पसंद नहीं करता। स्विंग थोड़ा जोर से बोलता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे ही उस बारे में चिंता करते हैं कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं करता। लेकिन वो तुरंत ही नॉर्मल टोन में बोलने लगा, क्योंकि उसने ये नोटिस किया कि लियो जाग गया है, और उसने बात भी बदल दी कि छोड़ो उस बात को, तुम ये नहीं समझोगे। जो हुआ था बस वो सब कुछ भूल जाना जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शाओलिन थोड़ा वरिडली पूछता है कि भाई, इसका मतलब आप उससे लेके सीरियस नहीं हो, है ना? स्विंग गुस्से से सोचता है कि बस लियू का नाम सुनकर ही मेरा खून खौल जाता है, अभी मैं उस बारे में बात करने की मूड में ही नहीं हूँ। और वो चिल्ला के कहता है कि आखिर तुम उस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी से पैकअप करो और ली शुआन से कांटेक्ट करके अच्छे से जमीन देख लो। जमीन के बहुत सारे फोटोज खींचने के बाद वापस चल के मुझे उसकी रिपोर्ट देना। शाओलिन उससे और पूछना चाहता था कि भाई रुको, क्या आप सच में लियू को वापस अपने साथ ले जा रहे हो? क्या अभी आप दोनों साथ हो? लेकिन स्विंग ने गुस्सा करके कॉल काट दिया कि मुझे परेशान करना बंद करो। और वो सोचता है कि बस मैंने थोड़ी देर ही उससे बात की और मैं इतना ज्यादा थक गया। अब तो सुलिन को भी ये पता चल गया कि लियू मुझे पसंद नहीं करता। कितनी बेशर्मी भरी बात है ये, और ये पिछले दो दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा जनक थे। वो दोनों वापस आ गए और यहाँ पर भी यू ने ही उसके लिए रूम बुक किया था। तो सुलिन सोचता है कि यू को बहुत ज्यादा पॉकेट मनी मिलती होंगी, लेकिन वो तो अभी एक बच्चा है, तो फिर उसे इतने भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते होंगे। तो फिर उसने बहुत सारा रूम सर्विस ऑर्डर किया, स्पेशल बॉडी मसाज करवाई, और फिर वो आराम से सो गया। फिर जब यू उसे जगाने आया तब वो आधी ही नींद में था कि क्या है। यू कहता है, अभी क्यों सो गए, इतनी भी रात नहीं हुई है। स्विंग का कोई बिजनेस पार्टनर उसे कॉल कर रहा था, लेकिन स्विंग सो रहा था इसलिए उसने यू को कॉल किया। तो फिर स्विंग तुरंत ही अपने उस बिजनेस पार्टनर से बात कर लेता है और सब कुछ सेटल कर लेता है, और यू से कहता है कि ये प्रोजेक्ट भी तुम ही संभालोगे, जल्द से जल्द सारा मटेरियल प्रिपेयर करो। यू कहता है, अभी सब लोग वेकेशन पे है, तो फिर सब कुछ हॉलीडे के बाद होगा। स्विंग कहता है, तुम्हें क्या लगा कि हॉलीडे है, वो मुझे नहीं पता। मेरा मतलब था कि हॉलीडे के बाद तुम जितना जल्दी मटेरियल प्रिपेयर कर सको उतना जल्दी करो। यू कुछ भी नहीं कह पाया, बस गुस्से से स्विंग की ओर देखता रहा।